हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिरसम दवा के बारे में। बात करेंगे ये दवा की फायदे, खुराक दुष्प्रभाव और सावधानियां के बारे में। तो वीडियो से काफ़ी कुछ जानकारी मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए और अच्छे लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिरसम टेबलेट का उत्पादक है ला रेनोन हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड और सामग्री है एस एडोनोसिल मेथियोनिन 400 mg या एडेमेसोनिन एंटेरिक कोटेड 400 mg टेबलेट। ये एक पोषण पूरक है जो लीवर में ग्लूटाथियोन सांद्रता को बहाल कर सकता है और लीवर की क्षति में सुधार कर सकता है। सिरसम दवा 10 टेबलेट की एक स्ट्रिप होती है और एक स्ट्रिप की प्राइस है 1062 रुपये। प्राइस समय के साथ बदलता रहता है। आप इसे डिस्काउंट में भी खरीद सकते हैं। यह दवा डॉक्टर इन कंडीशन में प्रेस्क्राइब करते हैं जैसे इंट्राहेपेटिक कोलेस्ट्रेसिस, जो एक दुर्बल विकृत विकार है। ये पित्त प्रभाव नाली को ब्लॉक करता है। लीवर सिरोसिस, ये लीवर के बीमारी को अंतिम चरण होता है। इससे मृत्यु की संभावना बहुत अधिक रहती है। हेपेटाइटिस और शराब पीने के कारण लीवर खराब के रोग की इलाज। अक्सर अतिरिक्त शराब पीने के कारण लीवर खराब हो जाता है या लीवर अपना काम करना बंद कर देता है। इस कंडीशन में भी ये दवा उपयोगी होता है। गर्भावस्था के ICP बीमारी, ये लीवर से जुड़ा ऐसा रोग है। इसके कारण लीवर में बनने वाली पाचन रस प्रभावित नहीं हो पाता है, जिससे लीवर की नसों पर असर पड़ता है। इसके कारण त्वचा में खुजली होने लगती है, जो प्रेगनेंसी के 6 महीने से शुरू हो सकती है। इसके कारण ना सिर्फ खुजली बल्कि बेचैनी और खींच भी होती है। इस परिस्थितियों से छुटकारा पाने के लिए भी डॉक्टर यह दवा प्रेस्क्राइब करते हैं और पुरानी विकृत यानी लीवर के समस्याओं के कारण होने वाली थकान को कम करने के लिए भी ये दवा डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। यह जोड़ों के दर्द या ऑस्टियोआर्थराइटिस, फाइब्रोमाइग्लिया यानी स्मृति और मनोदोष की समस्याओं के साथ मांसपेशियों में गंभीर दर्द, चिंता की बीमारी, अवसाद और अन्य मानसिक बीमारियों को कम करने में भी डॉक्टर यह दवा प्रेस्क्राइब करते हैं। खुराक की बात करें तो फेस सिरसम टेबलेट के खुराक अपनी डॉक्टर के सलाह पर लें। डॉक्टर बीमारी की स्थिति, गहराई, एज और जेंडर को देखते हुए डोज निर्धारित करते हैं। आमतौर पर दिन में 1 टेबलेट सुबह और 1 टेबलेट रात को भोजन के बाद लेना होता है, या फिर 1 टेबलेट सुबह, 1 टेबलेट दोपहर और 1 टेबलेट रात को लेने की सलाह दिया जाता है। लेकिन फैस बेहतर होगा दवा डोज अगर अपनी डॉक्टर के सलाह अनुसार ले तो। सिरसम दवा का सेवन से कुछ सामान्य दुष्प्रभाव हो सकता है, लेकिन फिर ये दुष्प्रभाव एक बार इलाज शुरू हो जाने पर बाद अपने आप समाप्त हो जाता है, जिससे मलती या उल्टी, दस्त, कब्ज, अनिद्रा, चक्कर आना, बहुत ज़्यादा पसीना आना। यह दवा का सेवन से पहले कुछ सावधानियां अवश्य रहना चाहिए।
जैसे कि वर्तमान में आप कौन कौन सा दवा ले रहे हैं सब जानकारी अपनी डॉक्टर को दें। सिरसम दवा प्रेग्नेंट और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए ज़्यादा सुरक्षित नहीं माना गया है, इसलिए डॉक्टर के सलाह पर यह दवा लें। किडनी और हार्ट पर यह दवा का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, फिर भी अपनी डॉक्टर के सलाह पर यह दवा लें, क्योंकि यह दवा लीवर के इलाज के लिए है, इसलिए यह दवा लीवर के लिए सुरक्षित है। यह दवा लेने के दौरान शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करें। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।